यार इतना कुछ है हमारे इंडिया में देखने के लिए, फिर भी जीते जी जन्नत देखनी है ना तो आ जाओ कश्मीर में। अरे सुनिए, हमें तैरना नहीं आता है, कोई है? तो कहानी शुरू होती है जब हम दोनों जयपुर की गर्मी से झुलसने के बाद अपना सामान बांधकर रेल यात्रा करके पहुंच जाते हैं दिल्ली, और यहाँ क्रेडिट कार्ड से लाउंज में 2 रुपए का खाना ठूस कर हवाई यात्रा करके निकल जाते हैं कश्मीर के लिए। What is up guys, my name is Shakti and you are watching Traveling Mondays and I have just arrived, sorry, we have just arrived in श्रीनगर। और कश्मीर की जो हमारी ट्रिप होने वाली है ये हमने बुक की है ई ट्रिप्टो से, तो हमें अभी वेलकम किया है जहांगीर भाई ने। थैंक यू। तो हम कश्मीर में इस बार एक ट्रैक करने के लिए आए हैं। मैं तो वैसे कश्मीर पहले भी आ चुका हूँ, पर मैं तो पहली बार आई हूँ ना, तो इसलिए हम पहले कश्मीर को अच्छे से घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। वेलकम टू कश्मीर। श्रीनगर में आप होटल में भी रुक सकते हो, लेकिन यार शक्ति हाउस बोट में रुकेंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ वो तो है। ये देखो हमारी शिकारा भी आ गई है हमें पिक करने। ये चांद सर रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा वाली वाइब ले रहे हैं एकदम मस्त, और वहाँ पर कही है हमारी हाउस बोट। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू आवर हाउस बोट। हाउस बोट का मतलब होता है ऐसी बोट जिसमें एक घर भी हो। दिखाते हैं आपको। तो ये है कॉमन एरिया एंड दिस इज आवर रूम। काफ़ी स्पेशियस, सुंदर, नीचे एक सुंदर कारपेट, ड्रेसिंग स्पेस, ये है बाथरूम। तो अपना सामान रखते ही पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है सनसेट पे शिकारा राइड, मतलब शाम की खूबसूरती, शिकारा के चप्पू की आवाज़, डल लेक के साथ पहाड़ों का ये सुंदर बैकड्रॉप, ये सब देखकर आपको बहुत सुकून फील होगा जो शायद आप वहीं बैठकर महसूस कर सकते हो। और हाँ, इंसान अपनी गलतियों से और ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखता है, तो हम हमेशा शॉपिंग को लास्ट डे के लिए रखते थे। हमने इस बार पहले दिन की, इससे शॉपिंग भी हो गई और हमें उस जगह की वाइब के कपड़े भी मिल गए। एक बुझाते हैं और एक रहने देते हैं, फिर विश मांगते हैं, फिर बुझाते। यार मैंने तो इतना सा मांगा था, इतने साल हो गए, 1 मिलियन करवा दो अगले साल, लेकिन भगवान ने कुछ और सरप्राइज प्लान किया हुआ था जो आप कल देखोगे। वाह कश्मीर, दिस इज अ गुड मॉर्निंग। So let's get started with the day। और अब हम explore करने वाले हैं local श्रीनगर, और अभी हमारे लिए आ गई हमारी cab। नहीं मजाक करो, यहाँ cab नहीं है, हमारे पास है शिकारा। शिकारा जो होती है ना उसके ऊपर आपको एकदम मस्त colorful सा ये सजावट मिलेगी, और एकदम पानी के पास में होती है, और आपको ये व्यू मिलता है। तो सुना है कि कश्मीर के मुगल गार्डन्स काफ़ी खूबसूरत हैं। सबसे पहले हमें पिक किया टैक्सी ने, विच वॉज अ पार्ट ऑफ अ पैकेज बाय eTripto.in, एंड नाउ वी आर हेडिंग टू निषाद बाग। कैमरा यूज कर सकते हैं अंदर? सब कुछ। 25 रुपए की टिकट है। हाँ। एक सही। ओके सो दिस इज निषाद बाग।
which means garden of joy. इसे बनवाया था आसिफ खान ने, who was the elder brother of Noor Jahan, and Noor Jahan was the daughter-in-law of Akbar. Oh, अच्छा. तो मैं ट्यूलिप गार्डन गया था 2017 में, और अभी मेरे को लगा था कि यार कहीं फ्लावर्स वाली जगह मिल जाएगी तो मज़ा आएगा. निशात गार्डन द प्लेस, अगर आप फ्लावर्स वाली किसी जगह पर जाना चाहते हो श्रीनगर में. वाओ, कितना सुंदर लग रहा है. देखो यहाँ से डल लेक भी दिख रही है. कितना सिमेट्रिकल है ये, है ना. पीछे देखो पहाड़ों का बैकड्रॉप भी है, मतलब पीछे बर्फ गिरती होगी यहाँ पे इस बैकड्रॉप पे, तो कितना सुंदर लगता होगा यहाँ से. हाँ यार. तो यहाँ पर निशात गार्डन के अंदर एक स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारे चारों तरफ चिनार के पेड़ हैं. जब ऑटम होता है आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे पत्ते गिरे होते हैं और आप अपनी सिनेमैटिक रील्स बना सकते हैं. चिनार का ट्री आपको बताऊँ कितना बड़ा होता है, जस्ट लुक एट दिस. यहाँ से शुरू होके वहाँ तक, वहाँ तक, वहाँ तक. धूप कम होती तो और मजा आता, लेकिन अब हम जा रहे हैं अगले मुगल गार्डन में जिसमें 7 टेरेस हैं, एंड इट्स नोन एज परी महल. हिस्ट्री आप पॉज करके पढ़ सकते हो. तो यहां हमें देखने को मिला बहुत पुराना मुगल आर्किटेक्चर और बहुत सुंदर फ्लावर्स, और व्यू ऊपर चल के देखते हैं. So we are at Pari Mahal and that is the view. Mast is taraf pahad hai, ek taraf pura backdrop pahadon ka hai ye wala region. Fir is taraf samne aapko Dal Lake bhi dikhai de rahi hai aur Nagin Lake aur uske piche pahad. So it's like a panoramic view of Srinagar aap keh sakte ho. Kafi beautiful. इतने सारे झरोके बने हुए हैं यहाँ पर. देखो हिस्ट्री की बात करें तो परी महल को शाहजहां के सबसे बड़े बेटे तारा शिखोह ने सन 1600 में बनवाया था. ये फैक्ट शायद आपको याद ना रहे, लेकिन यहाँ से देखे हुए नज़ारे शायद आपको याद रह जाए. और इसी के साथ वी डिड अ लंच ऑन द वे बैक एंड गॉट बैक टू रफीक भाई, हे शिकारा एंड डल लेक. और अब आपको दिखाते हैं लाइफ इन डल लेक एंड फ्लोटिंग मार्केट. वाओ यार, ये तो अलग ही दुनिया है. तो आप देख सकते हो इस लेक के दोनों तरफ एक मार्केट टाइप होता है, मतलब इन लोगों के लिए लोकल मार्केट है. लोग अपनी बोट में बैठ के आते हैं, सामान लेते हैं, छोटी बोट में बैठते हैं और वापस चले जाते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टेशनरी शॉप है, यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट की शॉप है, यहाँ पे शायद कोई ऑफिस है. सामने ब्यूटीफुल नज़ारा है, कितना सुंदर है यार. कितना पीसफुल है ना, मतलब बहुत मेडिटेटिंग है यहाँ पे. आप थोड़े बैठ जाओ ना, इट्स वेरी मेडिटेटिंग. और इसके बाद हमें रफीक भाई ने लोटस का एक फ्लोटिंग खेत दिखाया. हमने उनसे पूछा कि भाईजान ये शिकारा बनती कहाँ है, और वो हमें ले गए उस जगह जहाँ हम अपने सवालों के जवाब मिले, जैसे कि शिकारा में लकड़ी कौन सी यूज होती है, कॉस्ट कितनी आती है, कितने दिनों में बनती है. इन सभी सवालों को समेटते हुए मैंने अपने दूसरे चैनल शक्ति पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री डाली है, आप इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हो. और फिर यहाँ से निकलकर हम इन छोटी छोटी कनाल से होते हुए वापस आने लगे, जहाँ हमने लोगों को अपनी पर्सनल बोट से ट्रैवल करते हुए देखा. And I have always wondered कि डल लेक के फ्रंट साइड में जो हाउस बोट है वो इस झील की एक तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर डल में है जो यहाँ के लोगों की कहानी है. How they have their houses surrounded by water, कैसे उन्हें सड़क तक जाने के लिए भी हर मौसम में एक छोटी सी नाव का सहारा लेना होता है. कभी मौका मिलेगा तो मैं इस तस्वीर के कुछ रंगों को आपके सामने रखना चाहूँगा.
आज हम एक दूसरी हाउस बोट में रुके हैं। एंड आफ्टर कमिंग बैक हमने फिर से यहाँ चेक इन कर लिया। लेकिन जब भी मैं किसी हाउस बोट में जाता हूँ तो मतलब बहुत अमेज हो जाता हूँ कि कैसे उन्होंने एक तैरती हुई बोट के ऊपर पूरा घर बना दिया है विथ सच ब्यूटिफुल वुडन स्पेसेस। तो वहाँ पर पीछे आर्मी का कैंप है, ड्रोन्स अलाउड नहीं है। लेकिन भैया से मैंने पूछा, उन्होंने बोला आसपास में आप उड़ा सकते हो। तो आई एम थिंकिंग टू डू सम FPV, लेट्स गो। तो यार ये वो टाइम है जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं टाइम में पीछे जा पाऊँ और जो मैं करने वाला हूँ वो ना करूँ। लेकिन अब जो भी है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। मतलब मैं सच बताऊं, जब मैंने फ्लाई किया था मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये पानी में गिर ना जाए। तो पहला शॉट मैंने काफ़ी सही लिया, मतलब सब कुछ सेफ था। फिर मैं पीछे गया बोट के और घूमकर वापस आया और ये डाइव की, विच वॉज सेफ अगेन। फिर मैंने इस बोट को थोड़ा ट्रैकिंग शॉट लिया, विच वॉज सेफ। But sometimes all of your fears comes in front of you and you just cannot believe it कि जो आपने सोचा था वो ही हो रहा है। और जब मैं इस बोर्ड के पास पहुँचा मुझे लगा मैं यहाँ से निकाल लूँगा, लेकिन जस्ट पास पहुँचते ही अपने आप इट जस्ट वेंट डाउन। अरे सुनिए, हमें तैरना नहीं आता है, कोई है?